फैमिली जी, माता दी राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और कहाँ चल रही हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे ना तो पता चल जाएगा। और आज का दिन समझ लो मेरे लिए बहुत 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 खास है। और समझ लो कुछ मतलब क्या मैं लाने जा रही हूँ और क्या लेके आऊँगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। और मेरी खुशी देख के ना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कुछ ऐसा चीज़ लाने जा रहे हैं, कुछ मतलब क्या लेके आएंगे वो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा। और सच में मैं ना बहुत 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 खुश हूँ। और तो यहाँ रेडी होके हम निकल लिए हैं और कहाँ चल रहे हैं आप सब, ऐसे ब्लॉग में बने रहना। और बस हम और एचबी निकलने वाले हैं और काफ़ी धूप है। हम लोग निकले हैं दोपहर में, अभी लगभग बज रहे होंगे 12 या 12:30 बज रहे होंगे। और ये ब्लॉग है नवरात्रि के एक दिन पहले का। तो ये बीच में नवरात्रि हो गया था ना, तो ये ब्लॉग मैं शेयर नहीं की थी, बस नवरात्रि वाला ब्लॉग ही चल रहा था। तो समझ लो ये ब्लॉग एडिट करके रखा था, बस वॉइस ओवर करना था। और यहाँ मैं क्या लेने आई हूँ आप सब देख सकते हो, यहाँ मैं अपने लाला को लेने आई हूँ, यहाँ मैं दूसरे वाले बड़े वाले लड्डू गोपाल को लेने आई हूँ। तो मेरे घर छोटे वाले लाला थे और बस थोड़ा बड़े वाले लाला चाहिए, तो मैं बस उनसे थोड़ा सा बड़ा लेके आऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। और फिर कभी होगा तो बड़ा भी लेके आएंगे। तो लाला अपना खूब सारा कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो मैं और इनसे भी बड़े लाला को लेके आऊँगी। बट अभी इतनी बजट नहीं थी कि मैं इनसे बड़े लाला को लेके आऊँ, क्योंकि बस बजट बजट की बात होती है कि हाँ मैं लाला को ख़रीद नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर लेना है तो सच में अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो लाला खुद इतना व्यवस्था कर देते हैं ना कि आप कहीं ना कहीं से लाला को लेके आ जाओ। और यहाँ मैं बस मम्मी एंट्री कर रहे थे तो समझ लो गृह प्रवेश, तो मम्मी बस हल्दी और अक्षत ये सब डाल के और लाला को चंदन लगा के आरती करके बस लाला को ले आए थे। लाला के स्थान पे लाला को बैठा दिए थे, जहाँ छोटे लाला रहते थे वहीं बड़े लाला को भी बैठा दिए थे। और ये लाला ना मतलब समझ लो उन लाला से काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि वो लाला ना बहुत छोटे थे। तो मैं यहाँ भोग के लिए सब पूरा सामान समझ लो बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बस मखाना भून ली थी और यहाँ मैं रवा भून लूँगी और बस इसका हलवा बनेगा। और खाना में जो बनेगा मत समझ लो खाने में वो भी भोग लगेगा, बस जो लाला का सबसे प्रिय चीज़ होगा वही बनेगा भी, ऐसा नहीं है। तो लाला का प्राण प्रतिष्ठा भी आज ही होगा, क्योंकि लाला को जिस दिन लेके आए, अगर आप चाहें तो उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा करें, आप चाहें तो उसके सेकंड डे थर्ड डे आपकी इच्छा हो उस दिन करें, बट मैं इसी दिन ही कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं लूँगी थोड़ा सा घी और उसी में डालूँगी थोड़ा सा हल्दी और मिक्स करके अच्छे से लाला को लगा देंगे। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो उनको ओपटन लगाया जाता है, वैसे लाला को भी लगा देंगे और अच्छे से मालिश करें। मैं थोड़ा इस फास्ट कर दी हूँ क्योंकि बस वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और लाला को थोड़ा सा ऐसे आँच दिखा दें और घी का दीपक जला लें, उसके बाद में ही प्राण प्रतिष्ठा करना शुरू करें। क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करो ना तो पहले दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं स्वास्तिक बना ली थी थाली में और मैं लाला को स्नान करवाऊँगी, तो बस थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि घी लगा रहता है ना तो लाला थोड़ा फिसलते ज़्यादा हैं। तो बस मैं स्नान करवा दी थी, अभी अच्छे से हुए भी नहीं स्नान, तो बस मैं अब अनाज में इनका उपवास करवाऊँगी। तो पहले अनाज में लड्डू गोपाल को बैठा दें, उसके बाद में कोई भी टावल कोई भी कपड़ा डाल दें और प्रणाम कर लें, और उसके 10-15 मिनट बाद आप लाला को निकाल के और फिर से स्नान करवाएं, फूल अक्षत जो है डालें, तुलसा दल ज़रूर डालें और यहाँ लाला को फिर से स्नान करवाएं। और ध्यान रखें लाला फिसलते बहुत हैं क्योंकि घी लगा है तो। और फिर उसके बाद में आपके पास जो भी मीठा है उसमें आप लाला को फिर से उपवास करवाएं। तो मैं मीठा कुछ लेके आई नहीं थी, चीनी घर पे था, बस समझ लो चीनी में ही कर दिए। आपके पास जो हो उसमें करें और फिर से लाला को फूल अक्षत डाल के स्नान करवाएं, और जिसमें भी वास करवाएं लाला को उसमें फूल और तुलसा दल ये ज़रूर डालें। और यहाँ फल में करवाएं तो फल में मैं अंगूर लेके आई थी,
और उसमें करवा के फिर स्नान करवा लिए थे, फिर मैं करवाई हूँ शैयावाश। तो सबसे लास्ट में शैयावाश करवाया जाता है, तो इसके लिए ना मैं जब दूध में वाश करवाई थी तो बस वो स्किप हो गया ना, वो वीडियो नहीं बन पाया। पांच चीज़ में करवाया जाता है तो वो स्किप हो गया, नहीं बन पाया, तो बस शैयावाश हो गया है लल्ला का। और अब मैं लल्ला को नहलाऊंगी। तो आज सेकंड वाले जो छोटे वाले लल्ला हैं उनका भी बर्थडे भी है, तो साथ साथ में दोनों लोगों को स्नान करवाएंगे। तो यहाँ बस पहले दूध से मैं स्नान करवाऊंगी लल्ला को, समझ लो अभिषेक हो रहा है लल्ला का। और उसके बाद में फिर दही से करवाऊंगी, और जो भी जिससे भी करवाएं उसमें फूल और तुलसा दल ज़रूर डालें। तो मैं शहद से भी करवा दी हूँ और इसमें घी था, घी से भी करवा दिए। और यहाँ लल्ला का गंगा जल से सिर्फ पैर धुला जाता है, तो गंगा जल से पैर धुल दिए थे। और यहाँ मैं लल्ला को अच्छे पानी से नहला दी हूँ, साफ़। बस लल्ला देख सकते हो फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल। और ये पानी जिसमें लल्ला को अभिषेक किया जाता है ये फेंका नहीं जाता है, पूरी फैमिली को थोड़ा थोड़ा करके पी लेना चाहिए, कभी फेंकना नहीं चाहिए। जिसमें लल्ला का अभिषेक हो वो पानी फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ लल्ला को अच्छे से अपने आँचल में समझ लो अच्छे से पोंछ लिए थे और लल्ला को ड्रेस पहना दिए थे। तो और ये ड्रेस मैं लल्ला को लेके आई हूँ उसके बाद में ही बनाई हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट लल्ला को जब लेके आई थी ना तो खुद बना के तो फिर प्राण प्रतिष्ठा किए थे। तो मैं जब बड़े वाले लल्ला को लेके आई हूँ तब भी मैं ऐसे ही की हूँ, क्योंकि लल्ला के लिए ड्रेस बनाए फिर प्राण प्रतिष्ठा किए, तो इसलिए ना कुछ ज़्यादा ही वर्क हो गया मेरे लिए। तो यहाँ लल्ला हो गए हैं रेडी, देख सकते हो आप सब। मैं फूल चढ़ाऊँगी लल्ला को, धूप दीप जो भी है सब कुछ करके अच्छे से लल्ला का आरती लेंगे। और भोग का जो भी सामान सब साइड में रख दिए थे, लल्ला का अभिषेक कर रहे थे तो जो भी भोग का सामान है सब उनके आगे रखूँगी। तो जो भी मुझसे हो पाया लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में वो मैं की हूँ, क्योंकि मतलब समझ लो अपनी अपनी मतलब बजट होती है, जिसकी जो बजट हो वो उतना कर सकता है। लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रसाद के नहीं कि हाँ उनको क्या भोग लगाया जाता है। अगर आप अपनी श्रद्धा से आप सिर्फ चीनी का भोग लगा के अगर आप चाहें तो पूजा करें ना, तब भी भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। तो आपके पास जो भी है, तो मेरे पास जो भी था थोड़ा बहुत समझ लो वो लल्ला के लिए मैं कर दी हूँ। और समझ लो सब कुछ उन्हीं का है, जो लल्ला देते हैं वही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ बस मैं भोग लगा दूँगी लल्ला का, और अभी खाना पूड़ी बन रहा है तो खाने का भोग मैं बाद में लगाऊंगी। और उसके बाद में अभी आरती होगा फिर से, क्योंकि अभी पूरी फैमिली आरती करेंगे, तो बस थोड़ा सा भोग लगा दूं, क्योंकि लाला अभी स्नान ध्यान किए हैं तो लाला को भूख लग गई होगी, तो थोड़ा खिला पिला के फिर से होगा लाला का आरती। तो इसके बाद में यहाँ बस बारी बारी से सभी लोग कर रहे थे धूप दीप, और धूप दीप करने के बाद और उसके बाद में होगा आरती। तो अभी आरती सभी लोग जहाँ पूजा होता है ना वहाँ कर रहे थे आरती, तो वहाँ से मतलब करके फिर आएंगे। यहाँ मैं दूसरी जगह प्राण प्रतिष्ठा की हूँ, क्योंकि जहाँ पूजा होता है वहाँ की अलमारी ना मेरी थोड़ी छोटी है तो इसलिए नहीं हो पाता अच्छे से। तो बस मैं यहाँ नीचे बैठा के लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो बस देख सकते हो मेरे लल्ला कितने सोढ़े लग रहे हैं, सच में मैं इतनी खुश हूँ आज ना कि बस कुछ मतलब कोई वर्ड नहीं है ना कि मैं क्या बोलूं, सच में इतने ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि समझ लो आज बहुत दिनों से हम सोच रहे थे लल्ला को लाने के लिए। जान दो भगवान भाव में फंसी ना वो मेरी, तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन ने बसाया रीति श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती पुण्य बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती पुण्य बिहारी की श्री। तो यहाँ सभी लोग कर लिए थे लल्ला की आरती, और यहाँ मैं लल्ला के कान में बोल रही हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि पूरा पूजा कंप्लीट हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा करना है तो आपको बाद में ऐसा बोला जाता है कि हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उनके कान में बोलना चाहिए। और वैसे जब तक आप पूजा करें तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना ही बोलना चाहिए, अगर आपको कोई और मंत्र नहीं आता है तो यही बोलते रहें। और यहाँ बस खाना रेडी हो गया था तो मैं लल्ला को खाना
खाना भी खिला दूंगी, उसके बाद में सभी लोगों को प्रसाद देंगे। और यहाँ मैं कुछ आप लोगों से बातें कर रही थी बट वो म्यूट हो गया, और देख सकते हो थकान मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा है इतनी दौड़ भाग में। और ये और यहाँ हाथ में हल्दी लगा था शायद ही बता रहे थे। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा और लड्डू गोपाल का प्राण प्रतिष्ठा कैसा लगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।